आदिवासियों ने एसडीओ की गाड़ी में तोड़फोड़ की, बारदा डैम पर बवाल। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन बैरागी और आप देख रहे हैं डिजिटल वीडियो न्यूज़ चैनल MP7 न्यूज़। आप MP7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। देखिए अब पूरी खबर। नीमच जल संसाधन विभाग 52 करोड़ रुपए में सिंगोली रतनगढ़ के बीच बारदा गांव के पास पहाड़ियों में बांध निर्माण करवा रहा है। इसका बारदा व आसपास के आदिवासियों द्वारा पहले लगातार विरोध किया जा रहा है। मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पहुंचकर काम बंद करवा दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने ठेकेदार के सुपरवाइजर की गर्दन पर तलवार रख दी। जल संसाधन विभाग के एसडीओ वहां पहुंचे तो उनकी गाड़ी के कांच फोड़ डाले। अधिकारियों ने निर्माण कार्य बंद कर रतनगढ़ थाने पर शिकायत दर्ज करवाई है। जल संसाधन विभाग ने बारदा गांव के पास बांध निर्माण 2 माह पहले ठेकेदार के माध्यम से शुरू करवाया थे। इस बांध के निर्माण से बारदा व आसपास के गांव डूब में आ जाएंगे, इससे ग्रामीणों को घर व जमीन छीन जाने का डर है। इस कारण गांव के लोग प्रारंभ से ही इसका विरोध कर रहे हैं। 1 माह पूर्व सिंगोली में आदिवासी समाज ने महासभा आयोजित कर प्रशासन से बांध निर्माण बंद करवाने की मांग की थी। आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी थी। आदिवासियों ने निर्माण बंद नहीं करने पर आर पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी भी दी थी। बावजूद इसके बगैर सुरक्षा व्यवस्था के प्रशासन ने निर्माण जारी रखा। मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने मंगलवार को निर्माण स्थल पहुंच विरोध किया। ग्रामीणों ने ठेकेदार के कर्मचारियों व अधिकारियों को निर्माण कार्य बंद करने की बात कही। निर्माण बंद नहीं करने पर कुछ लोगों ने ठेकेदार के सुपरवाइजर की गर्दन पर तलवार रख दी, उसे काम बंद करने को कहा। इससे ठेकेदार के मजदूर डर गए और काम बंद करके वहां से भाग गए। ठेकेदार की मशीनों को गांव के बाहर रखा। मौके पर जल संसाधन विभाग के एसडीओ जगदीश चौहान, रामगोपाल पाटीदार पहुंचे, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी के कांच फोड़ दिए। ग्रामीणों ने ठेकेदार की मशीनों को गांव के बाहर रख दिया। जल संसाधन कार्यपालन यंत्री एचके मालवी ने बताया, मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देने के साथ रतनगढ़ थाने पर शिकायत की है। उन्होंने पुलिस को बताया कि बिना सुरक्षा व्यवस्था के काम करना मुश्किल है। ठेकेदार के सुपरवाइजर की गर्दन पर तलवार रख दी, ऐसे में वहाँ कर्मचारी कैसे काम कर सकते हैं। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।